दोस्तों जोश में नहीं दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों जोश में नहीं दिखाई दे रहे हैं। किसी ने बहुत कमाल की बात कही है, किसी ने बहुत कमाल की बात कही है। बहुत गुरूर था छत को छत होने का, बहुत गुरूर था छत को छत होने का। जब एक मंजिल और बन गई, छत तब्दील हो गई फर्श में, छत तब्दील हो गई फर्श में। इसी मोटिवेशन के साथ दोस्तों अपना अगला क्लास लगने वाला है। इस क्लास का नाम है दोस्तों प्रो डाउन। क्या है दोस्तों? प्रो डाउन। क्या है दोस्तों? प्रो डाउन। चैप्टर का नाम बोलो प्रो डाउन। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपने क्या ये नाउन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। नाउन का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि क्या होता है? नेम होता है। नाउन का मतलब क्या होता है? नेम। क्या ये जो नेम है इसके बदले और कैसा नाम होगा दोस्तों? या तो यह कॉमन नाउन होगा, या तो प्रॉपर नाउन होगा, या तो मेटेरियल नाउन होगा, या तो यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो ऐसे नाम के बदले जो शब्द यूज होगा, ऐसे नाम के बदले जो हम शब्द यूज करेंगे, एक्स्ट्रा जो वर्ड लगा रहे हैं इस नाम के बदले, वह कहलाता है प्रोनाउन। वह कहलाता है दोस्तों काम। अगर जो काम नाउन का था, क्या प्रोनाउन का दोस्तों काम अलग होगा क्या? काम जो काम नाउन का है वही काम दोस्तों प्रोनाउन का है। किसी का काम चेंज होने वाला नहीं है। बस थोड़े से क्या हुए हैं दोस्तों? नाम बदले हुए हैं। क्या है दोस्तों? नाम बदले हुए हैं। काम तो क्या है दोस्तों? सेम है ना। आइए समझते हैं इसका भी काम दोस्तों क्या होगा। यही होगा, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। अगर कहीं पूछा जाए ये बताओ प्रोनाउन क्या काम करता है, तो आपको आपके मन में क्या निकलना चाहिए? सब्जेक्ट। क्या होना चाहिए दोस्तों? किसका काम करता है? सब्जेक्ट। किसका काम करता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट दोस्तों किसके लिए आता है? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के लिए सब्जेक्ट आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन, अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होता है। थर्ड पर्सन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब क्या लगेगा? अगर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट अपना क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ केवल थर्ड पर्सन के साथ, बाकी आप सेकंड पर्सन ले लेंगे। फर्स्ट पर्सन भी होता है, सिंगुलर होता है ही ना, उसके साथ है क्यों लग जा रहा है? क्योंकि वो थर्ड पर्सन है ही नहीं है। बाकी के साथ क्या लगता है? प्लूरल ही लगता है। आइए यहाँ पे समझते हैं। और क्या बनेगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। क्या बनेगा दोस्तों? ध्यान रखना ऑब्जेक्ट केवल दो ही जगह आते ही है, एक प्रीपोजिशन के बाद आता है, दूसरा कहाँ पर आता है? और दोस्तों अगला अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट तो और बनता है, ऑब्जेक्ट और बनता है। ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव किसका बनता है दोस्तों? ट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसके बाद बताओ सब्जेक्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आएगा। अगर सब्जेक्ट लिख दिया तो गलती किसकी? हमारी या लिखने वाले का? लिखने वाले का। लिखने वाले का भाई, क्योंकि उसे समझाया नहीं गया है इसलिए वो गलत लिख रहा है। प्रोनाउन तो पढ़ा जरूर है, लेकिन प्रोनाउन का मकसद आज तक नहीं समझ पाया है। क्या होता है प्रोनाउन? बस किताब में लिखा प्रोनाउन, लिख लिया डिफिनेशन, बहुत बड़ा। और पूछा जाए ऑब्जेक्ट बताओ कितनी जगह आता है, तो जवाब क्या देंगे दोस्तों? केवल और केवल दो ही जगह आता है। कहाँ कहाँ आता है? एक प्रीपोजिशन के बाद। अगर प्रीपोजिशन के बाद अगर मैं सब्जेक्ट लिखूँ तो बताइए क्या सही है कि गलत है? गलत हो जाएगा ना। सब्जेक्ट लिखूँ तो सही हो जाएगा। इतना ख्याल रखना, नहीं गलती करोगे बार बार, यहाँ से हजारों सवाल बनेंगे प्रोनाउन से। इतने सवाल बनेंगे छोड़कर भाग जाओ, कहोगे समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तभी आएगा जब फंक्शन जानोगे तब। ये फंक्शन इसको भूलना मत, यही काम कर रहा हर जगह काम करेगा ही। इसी के सिद्धांत पर जो आगे बनाओगे बड़े से बड़े सवाल बैंक में जो पूछे जाते हैं, सीपीओ में जो पूछे जाते हैं, और जितने भी तुम आईएएस विशेष में जाओगे, जितने भी जब क्वेश्चन बन रहे हैं इसी फंक्शन बेस पर बन रहे। उठाकर थोड़ा देखिएगा पेपर ऊपर, तब समझ में आएगा। पेपर कभी उठाइएगा, किसी का भी पेपर उठाओ ना, एसएससी को उठा लेना, एसएससी को उठाना और फिर थोड़ा सा उसका रीऑर्डरिंग देखना कैसे कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है। आपको फिल इन द ब्लैंक भी भरना होगा ना, तो अगले वाले सिग्नल के आगे और पीछे देखकर भरना पड़ता है। तो आगे और पीछे सिग्नल कब पता चलेगा? जब फंक्शन पता रहेगा तब ना भर पाओगे। तो आइए हम एक चीज के लिए मकसद नहीं लेकर चल रहे हैं कि खाली इंटर निकाल दो, कोई फायदा नहीं होने सर, हमें आगे तक चलना है। दोस्तों अगला दोस्तों अगर बात करें तो वह कौन सा है?
कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। किसका काम करता है? कॉम्प्लीमेंट किसका दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। अच्छा एक कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? या तो यह नाउन होगा या तो अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करें दोस्तों या तो यह क्या होगा? या तो यह दोस्तों या तो यह नाउन होगा या तो दोस्तों या तो यह नाउन होगा या तो यह होगा। अच्छा एक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है दोस्तों? या तो यह नाउन होगा या तो आता किसके बाद है? लिंकिंग वर्ब के बाद। लिंकिंग वर्ब के बाद लिंकिंग वर्ब होता क्या है अब यह पता होना चाहिए। लिंकिंग वर्ब और कोई वर्ब दिखाई ना दे केवल मात्र इज एम आर वाज वर्ब दिखाई दे सिंपल वे में आपको बोलना है तो यह क्या कहलाते हैं दोस्तों? लिंकिंग वर्ब कहलाता है। इज एम आर वाज वर्ब अगर यह अकेला आता है और कोई वर्ब नहीं आता है तो यह क्या कहलाएगा? लिंकिंग वर्ब। सिंपल वे में अभी समझते चलेगा। समझ में आ रहा है ना? बनते तो बहुत लोग हैं लेकिन समझना पड़ेगा ना। सिंपल वे में हर जगह यही बोले जा रहे हैं लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे तो इज एम आर वाज वर्ब से बहुत कम क्वेश्चन बनेंगे। बोलचाल में सबसे ज्यादा नी का यूज है बस, ठीक है ना। तो लिंकिंग वर्ब के बाद किसके बाद आता है दोस्तों? लिंकिंग वर्ब के बाद बताइए क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होगा या तो अच्छा दोस्तों सब्जेक्ट सिंगुलर तो कॉम्प्लीमेंट भी सब्जेक्ट प्लूरल तो कॉम्प्लीमेंट भी एडजेक्टिव नो प्लूरल यानी कि एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता है बनेगा तो नाउन सिंगुलर और प्लूरल होता है। नाउन सिंगुलर और प्लूरल होता है एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता है। तब ये क्या कैसे देखा जाता है? डिग्री से। एडजेक्टिव का क्या होता है दोस्तों? डिग्री होती है। कभी जब एडजेक्टिव हम पढ़ाएंगे डिग्री का कोई नाम नहीं लिया लेगा जल्दी क्योंकि जब एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो एडजेक्टिव को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? दो भागों में। आप कहेंगे सर एक डिग्री फुल होता है और एक डिग्री होता है इसलिए हम बार बार कहते हैं पढ़ाने का तो थोड़ा सही है ना बिल्कुल अलग रहेगा ताकि मैचिंग ना रहे किसी टीचर से। अब मैच कर जाएगा तो फिर हमारा क्या हो जाएगा पढ़ाने का मकसद ही बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा जब मैचिंग कर जाएगा तो भाई उसके टीचिंग में हमारे टीचिंग में क्या क्वालिटी रह जाएगा। आइए यहाँ पे समझते हैं चले दोस्तों आगे। तो यहाँ तक बात जो चल रहा है पुरानी ही बात चल रही है पुरानी ही गियर में चल रहे हैं चौथी गियर में अभी चल रहे हैं पांचवा गियर नहीं लगा है। अब पांचवा गियर तब तक नहीं लगेगा जब तक प्रोनाउन खत्म नहीं हो जाएगा। पांचवा गियर लगेगा कहाँ पर? हे बंदे पे लगेगा इस वाली पे। कहाँ पे लगेगा? पांचवा गियर यहाँ पे लगेगा तो हमारी गाड़ी क्या हो जाएगी थोड़ा स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि आप समझ गए हैं नाउन और तो हमारा थोड़ा सा एटीट्यूड बदल जाएगा पढ़ाने का नजरिया जो है और थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि आप नाउन और प्रोनाउन पढ़ लिए और सीख लिए इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना जरूरी हो जाएगा, है ना दोस्तों? यस सर। तो ये बात यहाँ तक दिक्कत किसी को समझ आया है? यस सर। नोट डाउन दोस्त यहाँ तक तो बात समझ में आया होगा, ठीक है ना। यस सर। आइए चलते हैं और देखते हैं जो प्रोनाउन है इसका मकसद आपको बताया गया टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन के रिपीटेशन को क्या करता है दोस्तों? अर्थात जो नाउन आया है उसको रोकता है कि भैया आप यहाँ रोके रहिए हम आपके बदले जा रहे हैं हम खुद वहाँ पे स्थापित हो जा रहे हैं, ठीक है ना। हम किसी का नाम उठा ले कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बदले लेता है कि कोई नाम नहीं है आकाश मकाश उठाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा नाम साम है इसमें किसी का नाम उठा ले क्या दिक्कत है। यस सर। सोनी मोनी टिंकी पिंकी सोनाची मोनाची है ना। यस सर। आइए यहाँ पे चले। यस सर। तो राम इज अ Tunisians, Tunisians boy. Ram is a Tunisians boy. He is very clever. He is very clever. समझने का प्रयास करना थोड़ा सा। He is very clever. Him. I have no money. I have no money for him. His behavior is very bad. So
और तरह से समझ में आ जाएगा, है ना? यस सर। बात को समझने का प्रयास करना, लाइन अभी प्रोनाउन ही चल रहे हैं दोस्त, ना तो कोई डिफिनेशन ना तो कुछ और लिखा जा रहा, बस अभी बात को पकड़ने का प्रयास करना कि प्रोनाउन होता क्या है, क्योंकि बात अगर समझा पाएंगे प्रोनाउन को तभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ पाएंगे, प्रोनाउन का यूज कर पाएंगे मतलब असलियत में। नहीं आज तक प्रोनाउन पढ़ते चले आए, प्रोनाउन पढ़ते चले आए, जब एक्टिव पैसु बनाया जाता है तो जब आप अगर पैसु बनाए तो उधर मी रहता तो उधर उठा के लाते आई बना देते, उसको ये नहीं पता है क्यों आई बना रहे। जब इतने ही समझ में आ जाता तो आज इतना रट्टा नहीं मारता, आई का मी का आई याद कर रहा है, बताइए याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे भैया वो ऑब्जेक्टिव केस में ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आया तो क्या रखेगा बताइए ना, ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसुवाइज बनता है ना, किसका बनता है? एक्टिव से पैसुवाइज किसका बनाते हो? ट्रांजिटिव वर्ब का। जब उधर जाएगा वर्ब के बाद आ रहा तो एक्टिव क्या लिखोगे, सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव? अरे भैया मकसद भूल गए क्या, अभी कितना क्या काम था? ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट ही आता है, तो क्या लिखोगे? बाबा जी का घंटा लगा हुआ सब्जेक्ट बैठाओगे? जब उसको यहाँ पे ला रहे हो सब्जेक्ट के स्थान पे, बताओ क्या होगा हुआ? ऑब्जेक्ट बनेगा हुआ। अरे जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट के स्थान पे बैठा होगा, क्या काम करेगा सब्जेक्ट का ना? सब्जेक्ट का मी काम करता है। अरे भैया बदल गया सकल सूरत उसका, अब बोल रहा है जो पहले लवंडिया थे अब लवंडिया नहीं रह गए हैं, अब लवंडा बन गए फिर से हम। हाँ फिर से नाम बुलाओ भाई, पहले लवंडा थे लवंडिया गिरी कर रहे थे, नाम बदल गया था, लवंडिया गिरी खत्म, फिर से आ गए वही नाम में आ गए भाई। तो अपना रूप क्या हो रहा है, इधर से इधर जाएगा तो वो हो जाएगा, इधर सुधर जाएगा तो वो हो जाएगा, क्यों होगा अभी बाद में समझाएंगे। आइए यहाँ पे चलते हैं, ठीक है ना? एक्टिव पैसिवाइज नहीं पड़ा, खाली रट्टा मारते चले आए हो, सब याद कर रहे हो, हर जगह पोजीशन पे, हर पोजीशन पे रट्टा मार रहे हो। जो अब बताइए रट्टा मारने से कितना याद हो सकता है आपको, कितना विषय कम्प्लीट कर सकते हो बताइए? लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज को किया क्या जा सकता है? केवल और केवल समझा जा सकता है, केवल और केवल। लैंग्वेज काम सर, एक्सपीरियंस काम सर। एक्सपीरियंस कैसे आएगा, प्रैक्टिस करोगे? प्रैक्टिस तो चला ही रहे हैं ना। आइए यहाँ पे समझते हैं दोस्तों, राम की बात हो रहा है क्या? कैसा लड़का है दोस्तों? का मतलब नाम झगड़ालू लड़का है, कैसा लड़का है? कैसा लड़का है? क्या हम यहाँ राम लिख देंगे तो गलत हो जाएगा क्या? मुझे बताइए गलत हो जाएगा क्या? अरे राम तो है ना, गलत नहीं हो जाएगा, वो भी सही है ये भी सही है, बस बात इतना है कि भैया वो बोल रहा है कि मेरे नाम को दोबारा मत लेना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ले लेंगे तो कोई बुराई थोड़ी है, और नहीं लेंगे तो हमारी इज्जत और सम्मान बढ़ जाएगी। उस नाउन की रिपीटेशन को क्या कर रहा हुआ, रोक रहा है, जो रोकेगा वही कहलाता है प्रोनाउन, जो रोकेगा वही कहलाता है। इसके स्थान पे बेचारा कौन आया, इसके स्थान पे बताओ कौन आएगा? मी आएगा। सी लगा देगा गलत, सी लगा देगा गलत, सी लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। किससे पता चल रहा है, सिग्नल मिल रहा है कुछ? इसीलिए बोला गया फर्स्ट सेंटेंस इज द अगर फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट चेंज, पूरी लाइन चेंज होगा अंत तक, अभी चेक करते हैं दिखाते हैं आपको, अभी देखिएगा थोड़ा सा भी बदलाव किया ना दोस्तों, पूरा सेंटेंस शुरू से लेकर अंत तक बदलेगा। और जो आप यही समझदारी नहीं लाते हो तो सब्जेक्ट बदल गया तो क्या दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत नहीं नहीं है, परेशानी आपको ऊपर आएगा, बहुत बड़ा पहाड़ थोड़ी टूट जाएगा आपको नहीं पढ़ेंगे तो, है ना भाई? तो आज तक हम ऐसे ही करते चले आए, प्रोनाउन लिखा, प्रोनाउन का डिफिनेशन लिखा, 10 उदाहरण मार दिया, ये होते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, हो गया खत्म हो गया। ऐसे पढ़ाई करोगे दोस्तों कभी प्रोनाउन नहीं सीख पाओगे, जिंदगी भर पढ़ते रहोगे वही प्रोनाउन, फिर भी प्रोनाउन समझ में नहीं आएगा। एक टीचर से पढ़ा फिर दूसरे टीचर से भी पढ़ोगे, अगले वाले टीचर से भी पढ़ोगे, अब प्रोनाउन कभी खत्म होने वाला नहीं है। जन्म जन्म का क्या है यह? साथ है, जन्म जन्म का ये क्या बन जाएगा आपका? साथी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? उसी भवर में फंसे हैं हम, ठीक है ना? आइए यहाँ पर, तो इस नाम को रोकने के लिए ये लड़का है, तो लड़के के लिए दोस्तों क्या लगता है? नहीं पता है, कुछ तो पता होगा ना, तो बताइए आप क्या लगाएंगे यहाँ पे? सिग्नल क्या होगा, बदल रहा नहीं बदल रहा है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेंटेंस कहीं मन से लगा देंगे, रिगार्डिंग टू इसीलिए क्या बोला गया, फर्स्ट सेंटेंस सीधा। तो दोस्तों ही इज
वेरी क्लीवर, वह कैसा है? बहुत चालाक है। आई हेट हिम, आई हेट हिम, मैं उससे क्या करता हूँ? आई दूसरा कोई और लड़का है, आई कौन है? दूसरा लड़का है, लेकिन हिम कौन है? राम है। यहाँ पे ही लगा देगा, राम लिख देता तो भी सही है। अरे यार बात नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे आई हेट राम का दिक्कत है, बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है, बोल रहे हैं उसी नाम को हटाना है बस, और उसी नाम को हटाने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वह कहलाता है अपना प्रोनाउन। क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। यही राम सब्जेक्ट है, यही राम क्या है? ऑब्जेक्ट भी तो है। अरे देखो ना यहाँ पे राम कहाँ बन गया? ऑब्जेक्ट। बना कि नहीं बना है? कौन काम कर रहा है? ये काम कर रहा है, किसके ऊपर काम कर रहा है? इसके ऊपर, राम के ऊपर। नई बात समझ में आ रहा है? पच नहीं रहा कहा कि नया बात बता रहा है? नया बात नहीं है बबुआ, पुरानी बात है। किताब थोड़ा सा ढूंढेगी, ढूंढिए, किताब में थोड़ी मिलेगा, अपनी बुद्धि लगाओगे तब निकल पाएगा ये सब चीजें। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। तो राम लिखना गलत नहीं था, आपको एक चीज बताएगा कि रिपीटेशन, रिपीटेशन को क्या करना है? रोकना है। रोकना इसलिए है ताकि उसकी खूबसूरती क्या हो जाए? बढ़ जाए। अरे क्या इंसान ऐसे भी तो बढ़िया लग रहा है, कहे क्रीम पाउडर तेल क्रीम में बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनता है, वैसे चलो कहीं भी जाओ पैसा बचत हो गया ना भाई। सुंदरता बढ़ाने के लिए सब लोग करते हैं ना, तो ऐसे इसकी सुंदरता, शब्दों का सुंदरता बढ़ाने के लिए हम नाउन को क्या करते हैं? रोकते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? नाउन को क्या करते हैं? रोकते हैं, और उसके स्थान पर जो शब्द का प्रयोग करेंगे वह कहलाएगा प्रोनाउन, अर्थात सेंटेंस की शोभा अपने आप क्या हो जाएगा? तो हमें शोभा बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? कुछ बातों से, शब्दों से बढ़ाना है, समझ में आया ना? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? धीरे धीरे ख्याल आएगा, जो चीज अभी आगे बढ़ेंगे ना कहोगे मजा ही मजा है सर। अब समझ में आ रहा है कौन सा यूज कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे? बिल्कुल कोई संदेह नहीं रहेगा। तो यार ये तो आ ही नहीं सकता है भाई, ये सब्जेक्ट का काम करता है क्या? ये भाई ऑब्जेक्ट कौन होता है? हिम ना होता है तो क्या होगा? नहीं क्या होगा, कोई तकलीफ नहीं है, बस सोचते चलना है, ठीक है ना? आई हैव नो मनी फॉर हिम। हिम यहाँ पे कौन है? राम है। कौन है भाई बताइए? सिग्नल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। मेरे पास पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं है उसके उससे देने के लिए, एको रुपया नहीं है, एको नहीं देंगे। बताइए आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है फॉर राम, राम के लिए, अर्थात राम के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, अर्थात मैं राम को पैसा नहीं दे सकता हूँ। आ रहे सोच में? पैसे वाले तो देंगे कहाँ से? तो बताइए यहाँ पे क्या रहेगा? राम भी लिख दे तो भी सही है, है ना दोस्त? यस सर। क्या ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला यहाँ पे? प्रीपोजिशन के बाद। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? आपको समझाया गया कि ऑब्जेक्ट का आने का केवल दो ही रास्ता है, दो ही स्थानीय है, वो कौन कौन सा है दोस्तों? वर्ब के बाद आएगा या तो प्रीपोजिशन के बाद, और प्रीपोजिशन है तो उसके बाद नाउन आना तय है, और वो होगा ऑब्जेक्ट। क्या होगा? समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बताओ इसके ऑब्जेक्टिव केस क्या हो सकता है? हिम होता है कि हिज होता है? हिम होता है। अब यहाँ फुल स्टॉप। अब बताइए हिज बिहेवियर किसकी बात कर रहे भाई साहब? अब ये बताइए अगर हिम बिहेवियर लिख दे तो क्या हो जाएगा? गलत कि सही होगा? आप सोच रहे होंगे, संदेह हो रहा होगा, सर हिम बिहेवियर क्यों नहीं लिख रहे? हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा होगा भाई। तो हो रहा है तो आपको ख्याल आना चाहिए, सर यहाँ तो ऑब्जेक्टिव को सही है नहीं है। आएगा कहाँ से? कहाँ से आएगा? बात पकड़ में आएगा, धीरे धीरे आएगा। अरे भैया ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, प्रीपोजिशन के बाद, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा, तो ये नाउन है, नाउन के पहले आएगा। नाउन के पहले तो एडजेक्टिव आता है ना, तो एडजेक्टिव कौन होता है? पोसेसिव केस में ये एडजेक्टिव है, यही पोसेसिव केस है। अभी पोसेसिव केस आपने पढ़ा था, पोसेसिव केस फिर से नया आने वाला है, पोसेसिव केस फिर से नया आने वाला है, वह होगा एडजेक्टिव। जो आप पढ़े जानते भी है लेकिन यूज करना अभी सीखे नहीं है। तो फिर बताओ यहाँ पे क्या लिखे? हर बिहेवियर लिख दे क्या? हर बिहेवियर लिख सकते हैं हम? लड़की के लिए बताइए हम हिजी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? उसका बिहेवियर कैसा है दोस्तों? खराब है। उसका जो चरित्र है ना, उसका चरित्र क्या है? खराब है। तो हिज बिहेवियर समझ में आ रहा है ना? यस सर।
तो नाम के बदले जो शब्द प्रयोग करेंगे वही क्या कहलाएगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ बोल दे ये फर्स्ट सेंटेंस था, अब हम लिखते हैं दूसरा कोई, राम सोहन एंड राम, सोहन एंड राम, अब बताइए क्या होगा भाई, ई जाएगा कि आ रहेगा, ई जाएगा कि आ रहेगा, अब तो आ रहना चाहिए ना। देखना एक थोड़ा सा चेंज किया पूरा पर्टिकुलर केस बदलेगा, सब का सब बदलेगा, एक कोई चेंज ऐसा नहीं है कि वही रह जाएगा। देखना कैसे बदलता है, क्या लगेगा, आर होगा कि होगा, आर आ लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्या लगेगा, टूनेशियस, बॉय की बॉय, ही की हीम, ही का हीम, ही का हीम, दे तो बोलिए ना जोर से, जान रहे हो का, अरे हम जान रहे, थोड़ा बहुत पहले का पढ़े जानकारी, इसलिए बोले अंग्रेजी बस थोड़ा पहुंचाना चाहिए, कितना आना चाहिए, तभी गियर में उठा पाएंगे, और नहीं तो एकदम जीरो लेवल में है तो उठा नहीं पाएंगे। आपको पहले समझना पड़ेगा ये चीजें कैसे हो रहा है तब, ठीक है ना, आप थोड़ा बहुत जान रहे होंगे, थोड़ा बहुत बस, तब आपको एकदम मजा ही मजा आएगा पूरा अंग्रेजी में। अरे कुछ तो पढ़ कर आएंगे भाई, इतना बड़े बड़े लड़के हैं आप लोग पढ़ रहे हैं, कुछ तो पता होगा ना अंग्रेजी में। अभी डिफिनेशन पूछते हैं, देखते कितने लोग डिफिनेशन बता पाते हैं, क्योंकि इतना फंक्शन बता दिया तो आप तो डिफिनेशन बना ही पाओगे ना, क्योंकि हम पहले क्या बताते हैं, कार्य समझाते हैं, कार्य जैसे ही समझ में आ जाएगा, डिफिनेशन में क्या रखा है भाई, डिफिनेशन तो ऑटोमेटिक रिटर्न किया जा सकता है। आइए समझते हैं, सोहन एंड राम आर ट्यूनिशियस, बॉय या बॉयज, क्योंकि क्या बोला गया, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, प्लूरल यहाँ है या नहीं है, वही चीज है कि अलग है, जो चीज आपको पढ़ाया जा रहा है वही चीज लिखवाया जा रहा है, अलग से नहीं लिखवाया जा रहा, पूरा कॉपी किताब उठा कर देखिए ना, किसी भी क्लास का उठाइए, चाहे पहली और दूसरी और तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं बी एस सी कुछ भी चाहे जहाँ का अंग्रेजी उठाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अंग्रेजी उठाइए, कहीं भी उठाइए, अगर गलत मिल रहा तो फिर आइए हमसे बोलिए ना, सर आप जो पढ़ा रहे हो मैच नहीं कर रहा है, जितना पढ़ा है पूरा का पूरा एकदम मैचिंग करेगा और कहोगे गजब का अंग्रेजी लिख जाता है एकदम से, पूरा पूरा ओपन हो जाना बात एकदम से। आइए यहाँ पे समझते हैं अगला पॉइंट, अगर लिखे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे और कुछ लिखना चाहे तो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना दोस्त, तो दे आर वेरी क्लेवर, वेरी ठीक है, और यहाँ पे क्या आई आई रहेगा, सच में रहेगा, आई है या हिम लिख दे, ये का क्या होता है, तीन की बात हो रहा है, दो लोग हैं, दो से अधिक लोग हैं, दो लोग हैं, तीन के लिए क्या लगाओगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, या तो आप सोने राम लिखो, लेकिन अभी यही चीज तो बोला जा रहा है कि इनको रोकना है, क्या करना है, रोकना है। क्या स्थान पर क्या आएगा, देखो धीरे धीरे बात बनेगा आपका, धीरे धीरे बनेगा, ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना, क्यों भाई, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आया कि नहीं आया है, तो सब्जेक्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्यों ऑब्जेक्ट बन रहा है, धीरे धीरे समझ में आए, क्योंकि अभी फंक्शन नहीं ले पा रहे, थोड़े से उदाहरण के साथ चल रहे हैं कि इसका यूज कहाँ है, नहीं यूज है पहले नहीं समझ में आएगा तो बात गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। आइए यहाँ फुल स्टॉप लगाइए और फिर देखिएगा, आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, यहाँ भी क्या लिखोगे, आई हैव नो मनी क्या लिखोगे, यहाँ पे दे नहीं रहेंगे ना, अगर फिर यहाँ लिखे तो क्या लिखेंगे, डीज लिखेंगे ना, हर लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, डियर बिहेवियर। आइए देखिए सिग्नल बदल रहा है नहीं बदल रहा है, हर पॉइंट पर सिग्नल बदलेगा, इसलिए बोला गया फर्स्ट सेंटेंस इज द, क्या धीरे धीरे बात पकड़ में आ रहा है, क्यों ये सेंटेंस होता है, कि पहले सेंटेंस ही पूरी सिग्नल चेंज होती है, पूरी आगे तक सेंटेंस जितना लिखोगे आगे पूरी बात आया समझ में, धीरे धीरे तो आगे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, डियर बिहेवियर, डियर बिहेवियर, डियर बिहेवियर, उनका व्यवहार, उनका व्यवहार, इज वेरी बैड, अब बिहेवियर होगा क्योंकि एक लोग तो है नहीं, सबका बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब सिग्नल, तब आर होगा भाई साहब,
अगर हम बिहेवियर देयर बिहेवियर इज वेरी बैड तब यह बोलेंगे हम, और देयर बिहेवियर्स आर वेरी बैड, क्योंकि प्लूरल हो गया ना बिहेवियर बिहेवियर्स, ध्यान दीजिए सिंगुलर प्लूरल दोनों बन रहा है, सिंगुलर होगा तो अपने पास क्या आएगा ई जाएगा, बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो नोट डाउन करिए आगे चले अभी Yes, बात पकड़ में आ रहा धीरे धीरे yes, कोई दिक्कत no, sir. आवाज नहीं आ रहा है no, sir. आवाज नहीं आ रहा भाई yes, sir. लग रहा है स्टॉप करना पड़ेगा काम no, sir. उब गए हैं no, sir. अभी तो शुरुआत हुआ है दोस्त, कहाँ भाग रहे हो अभी, प्रोनाउन को अभी शुरुआत हुआ है, प्रोनाउन को ऐसा मरोड़ेंगे ये भूल जाएगा कि दोबारा यहाँ पे आए हम, ऐसा मरोड़ेंगे उनकी जिंदगी पुतली सुतली कुल खत्म हो जाएगी, हाँ ये भी याद करेंगे कि कोई टीचर मिला था, ठीक है ना, हाँ ताकि इनका हुलिया हुलिया पूरा बदल जाए, देखते हैं कल के अंदर पावर है, चलिए दोस्तों चले आगे yes, sir. तो दोस्तों यहाँ से अगर आपको डिफाइन करना पड़ेगा तो क्या डिफिनेशन बना सकते हो, यही बताओ डिफिनेशन क्या बना सकते हो, यहाँ से जो रिजल्ट निकल कर आया हम यही बना सकते हैं वर्ड प्रोनाउन इज वर्ड, अगर हम बात करें दोस्तों प्रोनाउन एक्स क्या है दोस्तों, प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन क्या है दोस्तों एक शब्द है, क्या है दोस्तों क्या करता है नाउन के रिपीटेशन को रोकता है या तो जो नाउन के स्थान पर आता है, नहीं समझ में आ रहा है, प्रोनाउन एक शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, कोई दिक्कत नो सर, या नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, कौन सा लिखे दोनों लिखे कि क्या लिखे चाहे जो, विच इज यूज्ड, विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, नहीं समझ में आ रहा है, विच इज यूज इंस्टीड ऑफ नाउन, आ रहा है समझ में ना, इंस्टीड ऑफ नाउन विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन के बदले क्या किया जाता है, जो नाउन पर क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है, या तो इन प्लेस, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो इंस्टीड, क्या लिख सकते हो इंस्टीड ऑफ अ नाउन, बात क्लियर हुआ yes, sir. प्रोनाउन एक शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, डिफिनेशन बात पकड़ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं, अट्टा मारने की जरूरत है no, हाँ ये तो नहीं समझ में रहा, घबराना नहीं है सर, ये सब कैसे लगा देते हैं आगे कनेक्टिंग वर्ड कैसे जोड़ देते हैं, सबको घबराने की जरूरत नहीं है, अपना दोस्तों अगर देखा जाए तो सेंटेंस है अपने पास, सेंटेंस ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है ना, अगर आपसे पूछा जाए सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट यह बताएंगे, और ये बताओ क्या है, बताएंगे सर यह है, और यह बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट है, और ये क्या है दोस्तों एडजेक्टिव है, ये पूरा पार्ट ये अगला सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो बन रहा है ये इसका इसके लिए क्या है, ये पूरा एडजेक्टिव बता रहा है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन ये एडजेक्टिव है, और ये कौन सा फ्रेज है, फ्रेज है क्लाउज है यार, क्लाउज इसी का क्लाउज, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब पाया जाएगा तो क्या कहलाएगा वह क्लाउज, तो ये क्या है, क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं, तीन, कौन कौन से, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज, तीन ही प्रकार के क्या होते हैं, आइए यहाँ पे समझते हैं प्रोनाउन का अगर चर्चा किया जाए, नोट डाउन करिए पहले डिफिनेशन फिर आगे, मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पे रख रहा हूँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए एक तरफ नाउन लिखा गया है एक तरफ प्रोनाउन लिखा गया है, तो ये मुझे बताइए सेंटेंस में अगर लिखना होगा तो सबसे पहले कौन आएगा, नाउन आएगा कि प्रोनाउन आएगा, नाउन आएगा, हाँ अगर दोनों को लिखना है, ये राम भी लिखा गया है और आई भी लिखा गया है, और राम भी लिखा गया है और ही भी लिखा गया है, और सीता भी लिखा गया है और सी भी लिखा गया है, बताओ इसमें किसका प्रयोग करेंगे, सीता पहले क्या आएगा फिर उसके बाद, जैसे अगर हम बोले राम सी एंड राम, सी एंड सही है कि गलत है, गलत है,
गलत है? यस सर। कैसे? सर पहले नाउन आता है, उसके बाद प्रोनाउन आता है। आप तो क्या भिड़ा दिए पहले, तो शब्द की गलती धीरे धीरे निकालना शुरू करेंगे आप। अभी शुरुआत की है दोस्तों, तो पहले सी नहीं, पहले राम एंड सी, ठीक है ना। तो एक बात हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, तो हमेशा पहले कौन आता है, पहले नाउन उसके बाद प्रोनाउन। आइए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पर चलते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हेडिंग लगा लीजिएगा, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो ये डिफिनेशन बनाया गया है, इसी डिफिनेशन पर बस काम करना है हमें। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हेडिंग लगाइए और इसमें लिखिए पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन हेडिंग है दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पहला हेडिंग बताइए क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। डिफिनेशन के ऊपर मत भागना, डिफिनेशन तो छुट्टियों का खेल होता है, पहले बात को समझने का प्रयास किया करिए, क्योंकि आज तक डिफिनेशन हम लिखकर चले आए हैं, जिसके कारण हमें स्कूलों में या कहीं और हम पढ़ रहे हैं तो पहले हेडिंग लगाने के बाद क्या मिलता था आपको, थोड़े से दो बात अगर बता देते हैं तो ठीक है, दो ही बात समझाएंगे, उसके बाद डायरेक्टली क्या लिखवा देते हैं, इंग्लिश या हिंदी में आपको डिफिनेशन लिखवा देंगे, और उसके बाद चार तो क्या मारेंगे, एग्जांपल। और पर्सनल प्रोनाउन क्या हो गया, खत्म। दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे, है तो छुट्टियों का खेल है, बस थोड़े से समझदारी लाना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लाना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा में सब कुछ होता है। आइए यहाँ पे देखते हैं थोड़ा थोड़ा में क्या होने वाला है। अच्छा दोस्तों आपने पढ़ा है कि ये नाउन है, नाउन के बदले जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। और किसके लिए प्रोनाउन का यूज किया जाएगा दोस्तों, पर्सन के। वह प्रोनाउन जो व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है, केवल और केवल पर्सन के लिए। किसके लिए? पर्सन। क्या यानी खुद के लिए, पर्सनली यूज किया जाता है। पर्सन के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे कहते हैं हम लोग पर्सनल प्रोनाउन। नहीं समझ में आया? जो खुद के लिए यूज किए जाते हैं, पर्सनली जो शब्द यूज किए जाते हैं, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। कोई दिक्कत नहीं है, डिफिनेशन के ऊपर मत भागना, अभी डिफिनेशन अपने आप छुट्टियों में हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं तो सबसे पहले यही समझते हैं, जो अपने पास ये पर्सन होते हैं, जो अपने पास क्या होते हैं दोस्तों, पर्सन। भाई जो पर्सन होते हैं खुद के लिए यूज करेंगे तो बताओ पहले पर्सन कितने होते हैं, पहले क्लियर होना चाहिए ना। तो देखा गया कि पर्सन मुख्यतः तीन प्रकार के बन चुके हैं, इससे ज्यादा बनी नहीं रहे, तीन से ऊपर जा ही नहीं रहे। कैसे भाई, कैसे क्लियर होगा? जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं, हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना, जो बोलता है दोस्तों ना, उसे हमेशा क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं? जो सदैव बोलता है वह क्या कहलाता है? जो सदैव सुनता है वह क्या कहलाता है? सेकंड पर्सन। क्या? सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात हो रहा है वह? तो तीन ही प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के? हम बात कर रहे हैं आपसे, हम हो गए फर्स्ट पर्सन और आप हो गए, बात समझ में आ रहा है? Yes, अगर बात करें दोस्तों किसी का भी तो बात करोगे कि नहीं, हम दोनों बात करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं। इसके बारे में हम बात करेंगे, आज सोली मूवी मैंने देख कर आया तो उसमें खूब ऐसे मार रहा था, है ना, बताए बात किसी का करो। आज 10 लोग ऐसे जा रहे थे, 10 लोग क्या हो गए, वह थर्ड पर्सन है कि नहीं है? हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या कहलाता है? थर्ड पर्सन। नहीं समझ में आ रहा है? कहीं डाउट पे नहीं है कोई डाउट? बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला हमेशा सेकंड पर्सन, इसके बारे में बात हो रहा है थर्ड पर्सन, इसके बारे में बात हो रहा है थर्ड पर्सन, कोई दिक्कत? नो सर। नाच रहे हैं? नाच रहे हैं? नो सर। नचा रहा है? नो सर। आइए यहाँ पे समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन किसके ऊपर चलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर चलते हैं, कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, कैसे क्या करते हैं इसमें, ठीक है ना आप? तो दोस्तों अपने पास जो पर्सन होते हैं दोस्तों, ये पर्सन तीन होते हैं, कौन से कितने होते हैं,
तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तीन प्रकार के। फर्स्ट पर्सन की बात करें, बोलने वाला एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। हम बोल रहे हैं तो अकेले हमारे साथ और कोई भी बोल सकता है, हम दोनों लोग एक साथ बोल सकते हैं, चार लोग बोल सकते हैं, दस लोग एक साथ बोले। अभी देखा है ऐसा, जब गाना गाते हैं तो तीन चार लोग एक साथ गाते हैं ना, तो क्या वो फर्स्ट पर्सन नहीं गाएंगे क्या? आप सुनने वाले हो जाएंगे, दर्शक लोग जो होते हैं, अब कई लोग उसमें भी तो होते हैं, लेकिन सुनने वाला हमेशा क्या माना गया है भाई? नहीं माना गया है। क्या माना गया है? ठीक है ना। तो आइए फर्स्ट पर्सन की बात करें। कौन सा पर्सन दोस्तों? फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन जो अपने पास होता है दोस्तों, वो कौन कौन सा होता है दोस्तों? फर्स्ट पर्सन की अगर बात करें, अपने पास दो लोग होते हैं। फर्स्ट पर्सन की अगर बात करें दोस्तों, तो अपने पास कितने लोग होते हैं? दो लोग होते हैं। एक होता है बेचारा आई, क्या होता है दोस्तों? आई होता है। और एक होता है दोस्तों बी। एक होता है आई और दूसरा होता है दोस्तों बी। एक होता है आई और दूसरा क्या होता है दोस्तों बी। एक होता है आई और दूसरा होता है वी। ये सिंगुलर होता है और ये क्या होता है? प्लूरल। अगर नंबर की बात करें तो यार नंबर लिख लेना आप लोग, नंबर कहीं ये तो बता दे रहा हूँ, ऐसे चल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर बात करें आई क्या होता है दोस्तों? सिंगुलर होता है। आई क्या है दोस्तों? सिंगुलर। ठीक है। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला सिंगुलर भी हो सकता है, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला प्लूरल भी हो सकता है। दोस्तों इसका यूज कहाँ करेंगे हम? जो हम ये लिख रहे हैं, जो फर्स्ट पर्सन आई और वी लिख रहे हैं, इसका यूज कहाँ करेंगे? सब्जेक्ट के स्थान पर। कहीं और कर सकते हैं? इसका प्लेस भी बताइए आप, कहाँ यूज करेंगे? इसलिए दोस्तों ये जो नाम रखा गया ये क्या बन गया? सब्जेक्टिव। क्या बन गया? सब्जेक्टिव। इसे कहाँ पर यूज कर सकते हो? केवल सब्जेक्ट का स्थान। ये सब्जेक्ट बनेगा केवल, या तो सब्जेक्ट लिखिए। आ रहा है बात समझ में? क्या लिखोगे? सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। कहीं और हम कुछ लिख सकते हैं? अगर दोस्तों हम जानते हैं ऐसा भी, क्योंकि आई का बी लिख देते हैं, क्यों लिख देते हैं पता नहीं चलता है। बी का अस लिख देते हैं, क्यों लिख देते हैं पता नहीं चलता है। दोस्तों वी का अस होता है कब होता है? क्योंकि भाई सब्जेक्ट है तो कैसे पहचान चलेगा, ऑब्जेक्ट है तो कैसे पहचान चलेगा, थोड़ा तरीका अपना बदलना पड़ेगा, व्यवहार बदलना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे। आई को मी लिख रहे हैं तो ये मी कहाँ काम करेगा भाई? वी का अस लिख रहा है तो कहाँ काम करेगा? ये काम कहाँ करेगा? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाए तो फिर बताइए क्या करेगा? बाल कोई तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? ससुरा वहाँ कहाँ चला है तू? तुम्हारा स्थान तो कहाँ है? तुम्हारे सब्जेक्ट बन रहा है, गलत होगा कि नहीं होगा? होगा। इसीलिए बोला गया कि इस पृथ्वी पर कोई प्राणी गलत नहीं होता, लेकिन उसका स्थान अगर अगर बदल गया उस स्थान के हिसाब से वह गलत और सही होता है। आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, आपका स्थान सही है, अच्छे माने जा रहे हो, यही चोरी वाले करने वाले स्थान प्रोजेक्ट जहाँ डाकिया हो रहा है या कोई गलत काम कर रहा है उसके साथ आप भी बैठे हो, फिर बताइए क्या हो जाएंगे? आपका स्थान गलत है कि आप गलत थे? स्थान गलत है। स्थान गलत होने की वजह से आप क्या हो गए? गलत हो गए कि नहीं हो गए? तो कोई व्यक्ति गलत थोड़ी, रकम नियत खराब हो जाए कोई गड़बड़ी थोड़ी कहा जाएगा। आइए यहाँ पे आइए, चले आगे, चले आगे। आवाज नहीं आ रहा तो तब थोड़ी पढ़ाएंगे, हमसे कम है आवाज तो, इतने लोग है एक लोगों का टक्कर नहीं कर पा रहे, आवाज निकल ही नहीं रहा है। कहाँ निकल रहा है? निकल रहा है। हमारी आवाज कहाँ तक पहुँच रही होगी? हाँ, तो फिर आपकी आवाज कहाँ तक आ रही है? बस यही तक, यू नहीं पहुँच पा रहा है। कैसे कहा हो जा रहा है पूरा टक्कर? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। थोड़ा लगा कि अब टक्कर कर रहे हैं। हाँ, चले आगे। यस सर। गड़बड़। देर बने रहेगा। चले आगे। यस सर। चलिए, अगर दोस्तों बोला जाए ये काम क्या करेगा तो आपको समझ में आ रहा है सर, ये तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, या तो ऑब्जेक्ट केस बोलिए या तो ऑब्जेक्ट लिखेगा, ठीक है ना? यस सर। ये केवल और केवल क्या काम करेगा दोस्तों? अगर हम इसे सब्जेक्ट के स्थान पे लिख दे, गला की साई, क्लियर हो रहा धीरे धीरे? बढ़िया। और दोस्तों अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, कहाँ पे बढ़ते हैं? जैसे ही आगे बढ़ते हैं अपने पास आता है दोस्तों पोसेसिव केस। क्या आता है? पोसेसिव केस आता है। पोसेसिव केस कौन सा केस दोस्तों? पोसेसिव केस।
जहाँ भी दिक्कत हो रहा है तुरंत खड़े होकर बोलिए सर यह आज तक तो बातें क्लियर नहीं हुआ, माई लगा कि माइन लगाए, आवर लगा कि आवर्स लगाए, कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। योर फाइव फुली लिखते हैं, बताइए योर ओबीडियंटली लिखते हैं। भाई कितना गलती कर रहे हो आप, क्योंकि शब्द नहीं पता इसलिए गलत कर रहे हो, अगर ये पता होता तो गलती नहीं करते आप। बोलिए योर ओबीडियंटली लिखते हैं कि योर ओबीडियंटली लिखते हैं, नहीं जब बताए तब ये लड़का लोग क्या करना शुरू कर दिए, पहले से जानकारी रहा होगा तब इसके बारे में कि हमें क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। योर ओबीडियंटली योर ओबीडियंटली योर फैथफुली या योर फैथफुली, दिस इज माई गलत का है, ये मेरा है, क्या दिक्कत है? जैसे लगेगा गलत नहीं है, तो जैसे लगेगा गलत नहीं सही तो जा रहा है, फिर गलत क्यों हो जा रहा है? क्योंकि हम सही शब्द ही नहीं बोल रहे तो गलत ऑलरेडी पहले से है। दिस इज माई नहीं होता है, दिस इज माइन होता है, ठीक है ना? क्यों गलत होगा, क्यों हो रहा है? सब फंक्शन है, कौन है? बस फंक्शन करवा रहा है। आप गलत हो कि सही हो, केवल और केवल कौन करवा रहा है? आइए समझते हैं आगे। यहाँ तक समझ में आया किसी सबको? किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? अब दोस्तों जो बात करते हैं ना, ये पोसेसिव केस, पोसेसिव केस का मतलब आप लोगों को पता होगा, ये संबंध को दर्शाता है, अर्थात पोसेशन बताता है, अधिकार बताता है। क्या बताता है दोस्तों? क्या इसके पहले आप नाउन में पढ़े होंगे, नाउन केस में भी पोसेसिव केस आपने पढ़ा था ना, वहाँ एपोस्ट्रोफी आपने देखा था, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी नहीं, यहाँ पर जो पोसेसिव केस है वो एडजेक्टिव है। कौन है दोस्तों? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव अपना पोसेसिव कैसे दिखाएगा भाई? अधिकार दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? है तो दोनों पोसेसिव, ये भी पोसेसिव, ये भी पोसेसिव है, ये भी पोसेसिव और ये भी है, तो दोनों में अंतर क्या है? एक बनेगा एडजेक्टिव और एक बनेगा प्रोनाउन, एक बनेगा एडजेक्टिव और एक बनेगा प्रोनाउन। एडजेक्टिव से उसका अधिकार दिखाएगा और प्रोनाउन से उसी का अधिकार फिर से दिखाएगा। नाउन से भी बना सकते हैं और प्रोनाउन से भी बना सकते हैं, दोनों पास आपके पास अधिकार है, लेकिन चेंज है, सेंटेंस होता है। आइए देखते हैं कैसे हो रहा, कैसे नहीं हो रहा। तो दोस्तों एक बनेगा अपना ये एडजेक्टिव, क्या बनेगा? एडजेक्टिव। क्या बनेगा ये? एडजेक्टिव। अब बनेगा अपना प्रोनाउन, क्या बनेगा? प्रोनाउन। चीजों को लिखवा देना बहादुरी का काम नहीं है, लिखवा देना बहादुरी काम नहीं है, लिख भी लेंगे, किताबों में भी प्रिंटिंग है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि किताब में प्रिंटिंग नहीं है, लेकिन इनको समझना है कि काम क्या करते हैं, पहले हुआ क्यों ऐसा। तो अगर हम इन चीजों को लिख रहे हैं, एडजेक्टिव लिख रहे हैं, तो ध्यान रखना ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, ये कैसा एडजेक्टिव है? इसी को हम लोग बोलते हैं डिटरमाइनर, इसी को बोलते हैं डिटरमाइनर, इसी को बोलते हैं दोस्तों डिटरमाइनर, डी ई टी टी आर एम आई एन टी आर, डिटरमाइनर बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं? यही एडजेक्टिव क्या बनेगा दोस्तों? और कैसा डिटरमाइनर है? प्योर डिटरमाइनर, इसी को बोलेंगे प्योर डिटरमाइनर, नाम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना? यह है प्योर डिटरमाइनर। अब प्योर डिटरमाइनर है तो आपको ख्याल क्या आना चाहिए दोस्तों? जहाँ डिटरमाइनर आता है उसके बाद हमेशा नाउन आता है। अगर आपने नहीं लिखा तो हमेशा इसके बाद बताइए क्या आएगा? नाउन आएगा। इसके बाद हमेशा बताओ कितना क्या आएगा? हमेशा क्या आएगा? हमेशा नाउन। तो ऐसा डिटरमाइनर है ये दोस्तों, ऐसा एडजेक्टिव है जो इसके बाद हमेशा क्या आएगा? क्या आएगा? अगर नाउन नहीं लिखा तो फिर डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर क्या होता है? पेशेंस रखना, दो ही चीज बताता है, या तो आइडेंटिटी या तो क्वांटिटी, क्वांटिटी क्वांटिटी बताता है, ठीक है ना? आइए यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम बोले डिटरमाइनर क्या होता है क्या नहीं होता है, ये एडजेक्टिव में क्लियर हो जाएगा। ये बताता क्या है? आइडेंटिटी, पहचान बताने का काम करता है कि नहीं करता है? पहचान बताने का काम करता है कि नहीं करता है? करता है। तो इतना समझते रहिएगा कि जो अपने पास डिटरमाइनर होता है, अगर ये लिखा गया तो इसके बाद क्या आएगा? नाउन आना तय है, नाउन आएगा ही आएगा। इसके बाद दोस्तों ये प्रोनाउन है,
ये प्रोनाउन है, अभी आएगा किसका अधिकार बताएगा जो वहाँ पे अपने पास नाउन आएगा आगे वाला, ठीक है ना। ऑलरेडी प्रोनाउन बनेगा और अधिकार दिखा रहा है उसी नाउन का जिसके लिए लिखा गया है, इसके लिए या लिखा गया है। अच्छा ये प्रोनाउन बने, प्रोनाउन है तो क्या ये काम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा? हाँ भाई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, प्रोनाउन है ना। अरे रट्टा मर गया देख रहा है या सर? नहीं सर, क्या बनेगा यार? ये बनेगा सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, कॉम्प्लीमेंट बनेगा, प्रोनाउन है तो सब बनेगा ना। यस सर। प्रोनाउन है तो सब नहीं बनेगा? बनेगा, सब बनेगा, सब का सब बनेगा, सब्जेक्ट भी बनेगा, ऑब्जेक्ट भी बनेगा और कॉम्प्लीमेंट भी बनेगा। क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो फिर अगला लिखे? यस सर। सेकंड पर्सन चले? यस सर। सेकंड पर्सन किसकी बात कर रहे दोस्तों? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन की बात करें तो अपने पास सेकंड पर्सन कौन होता है भाई साहब? यू होता है। कौन होता है? यू होता है। ये बनेगा सब्जेक्ट, क्या बनेगा दोस्तों? सब्जेक्ट। और यू बनेगा। तो दोस्तों क्या दोनों का सकल सूरत एक जैसा है? बोलने में भी सेम जैसा है कि अलग अलग है? सेम सेम। लिखने में भी सेम सेम? बोलने में भी? तो फिर पहचानोगे कैसे? कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे कि ये सब्जेक्ट है कि ये ऑब्जेक्ट है? कैसे पहचानोगे बताइए भाई, पहचानने का क्या तरीका हो सकता है? कहाँ है खड़ा हुआ गली में? खड़ा बोला क्या कहा था? एक वर्ष के पहले आ रहा है। अच्छा, दो वर्ष के पहले आ रहा है। हाँ बस यही सब, इतना जब से पढ़ा बस इतना पता है अभी तक, है ना। वर्ग के बाद आएगा तो क्या बोलेंगे? आदर बोलेंगे, और वर्ग पहले आएगा सब्जेक्ट बोलेंगे, बस खाली इतना पता है जब से पढ़ा रहे प्रभाव। चला भाई नेताजी, खाली बैठे बैठे कुछ बुला था? चला कुछ बुलाए अब भाई, सही गुल गुलाते रहे ना, का दिमाग खराब होगा बैठा? अरे इतना तो ख्याल आना चाहिए, यही लवंडा अगर आएगा ना, या तो क्रांति वर्ष से बात दिखाई देगा या तो फिर पोजीशन के, तो मैं बोलूंगा कि ये ऑब्जेक्टिव वाला है। नहीं तो वैसे भाई लवंडिया गिरी तो मही रहा है सब्जेक्ट का, है ना दोस्तों? आप भी लवंडिया गिरी के चक्कर में है का? यह बनेगा योर, क्या बनेगा? योर। क्या बनेगा? योर। क्या है यार? सिंगुलर है कि प्लूरल है? कौन बताएगा? किससे पूछे ये बताइए, कौन है? कौन है? कौन बताएगा सिंगुलर है कि प्लूरल है? चलिए बताइए, चलिए खड़े हो जाइए। प्लूरल है, प्लूरल है। चलिए भाई आप बताइए। सिंगुलर सिंगुलर है सर जी, इसका डिग्री होता है। हो गया ना बवाल? यस सर। हो गया ना बवाल? बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया। तो आर वाली भाई अल्लाह सोचत रहे इतना पढ़े लिखे बावजूद भी बैठा दिमाग खोल के रखिए भाई, फटाक से बता दे रहे हैं। कोई सिंगुलर बताएगा तो कोई प्लूरल बताएगा? ना ये सिंगुलर है ना ये प्लूरल है। अरे भाई एडजेक्टिव है ना? यस सर। एडजेक्टिव को किस नजर से देखा जाता है? डिग्री से। डिग्री से, और डिग्री ये डिपेंड करेगा अगले वाले नाउन के ऊपर। योर बुक, योर बुक्स, दोनों सही है, दोनों सही है। तो योर बुक बोलते क्या है समझ में आ रहे? तो लग रहा है सिंगुलर है, लेकिन एडजेक्टिव तो सिंगुलर ना होता ना ही क्या होता है, डिग्री होता है, अगले वाले नाउन के ऊपर डिपेंड होता है। नाउन प्लूरल तो ये भी मान लिया जाएगा कि इसका डिग्री हाई है, ठीक है ना। और नाउन सिंगुलर तो इसका मान लिया जाएगा डिग्री क्या है? लो है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे समझते हैं अगला क्या लिखेंगे। ये बनेगा नाउन, प्रोनाउन और कॉम्प्लीमेंट। क्या क्या काम कर सकता है? प्रोनाउन और कॉम्प्लीमेंट सबका काम करेगा, लेकिन यह करेगा केवल और केवल एडजेक्टिव। लेकिन दोनों है क्या?
दोनों ही क्या बता रहे हैं, दोनों ही अधिकार दे रहे हैं, दोनों ही अपना क्या बता रहे हैं, अधिकार। मलिकाना शब्द दोनों दे रहे हैं ना, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, अलग अलग है कि एक ही है? अलग है। ये ऑब्जेक्टिव वाला अधिकार दिखा रहा है और एक ऐसा अधिकार दिखा रहा है प्रोनाउन वाला, अधिकार दिखा रहा है प्रोनाउन वाला, है ना दोस्तों? तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थर्ड पर्सन चले, थर्ड पर्सन की ओर चले, थर्ड पर्सन किसकी बात कर रहे दोस्तों? थर्ड पर्सन कौन सा पर्सन, कौन सा पर्सन, कौन सा पर्सन? आइए थर्ड पर्सन में सबसे पहला ही आएगा, कौन आएगा? उठा ले, उठा ले जाए, उठा ले जाए। ही लड़का की लड़की है, लड़का की लड़की, लड़का कहा बनेगा, कहा बनेगा, अरे सब्जेक्ट बनेगा, लड़का बनेगा, सब जाना लड़का है, अगर ही आया तो क्या नजर में आना चाहिए आपको? अगर आया सब्जेक्ट का है, क्या है यह ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है? नो सर। किसी भी कोने में अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख दिया जाए तो क्या करोगे? गलत की सही, गलत की सही, क्यों नहीं पहचान रहे हो यहाँ से? अरे लिखवा दे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल होता है, बस हो जाएगा गाड़ी, इतना किताब में मिलेगा तो हमारे पढ़ाने से क्या फायदा होगा, हमारे पढ़ाने से क्या फायदा होगा? नॉर्मल में टीचर भी पढ़ाए देंगे सब, आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगा। आइए चले आगे, बड़े आगे, आवाज नहीं आ रहे, आप आवाज देंगे तो हमारा आवाज 10 गुना और बढ़ेगा, आपके आवाज से मल्टीपल रहता है हमारा आवाज, ठीक है ना, डाउन नहीं रहेगा। आइए यहाँ पे चलते हैं, अगर ही बोल रहा है तो ये सब्जेक्ट बनेगा, ही का क्या बोल रहा है दोस्तों? ही बोल रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या बनेगा ये केवल आपके बारे में, क्या बनेगा यह सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? 10 बार चिल्ला रहा, जब प्रैक्टिस करवाएगा और गलत कर बना तो केवनी केवनी मारा, हाँ क्योंकि इसी का फंक्शन पूरा चल रहा और यही पे गलती किया जाता है। जो आप लिखते हैं जब आप कंप्यूटर डिग्री में एडजेक्टिव में आते हैं, सब्जेक्ट नहीं पता हो पाता है, ना ही ऑब्जेक्ट पता हो पाता है कि सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन के बाद है किसके बाद है, कुछ पता ही नहीं चलता है। जब आपको चेंज करना पड़ता है तो आई का मी लिख देते हैं फटाक से, या इधर मी लिखा गया तो इधर क्या लिख देते हैं, इधर आई लिखा रहता है देन आई लिख दिया जाता है, ही इज बिगर देन आई, आई रहेगा कि मी रहेगा, मी रहेगा कि आई रहेगा, मी रहेगा। अब यही तो नहीं पता है, इतने बड़ा रहता विद्वान तब तक यहाँ रहता है, देख लीजिए यही तो है ना गलती, इतनी बार समझाया गया है, इतनी बार समझाया गया और फिर भी एकदम से खंड है, नहीं समझ में आ रहा, कहां से आएगा? आई एम बिगर देन हर या सी, आई एम बिगर देन सी की हर, सी क्यों आ रहा, हर क्यों नहीं आ रहा, तो ये आना चाहिए भाई, उधर भाग रहा है, अरे उधर तो आना चाहिए, आई अभी देखिएगा यहाँ पे फंसेगा लड़का, ठीक है ना, धीरे से, आई टीच, आई बताना नहीं चाहिए, अभी आगे लिखना चाहिए, यहीं पे चालू कर दिए नोटिंग की, देखते हैं जवाब दे पाते हैं कि नहीं, कब लगेगा ही, कब लगेगा सी, बहुत कंफ्यूज कर देंगे दोस्तों, और कंफ्यूज करके जब लाएंगे वहां ऊंचाई पर ना कहेंगे अरे मजा आ गया सर, इसको तो टेस्टी लगा खाने में, और ऐसे जानते हो आराम से बुलाओ और खाना दे दें, खाना का कभी टेस्ट पता नहीं कर पाओगे, आओगे हराम का खाना खा के और धीरे से चले जाओगे, अब फिर जानते हो बाद में गाली देगा, खनवा सही नहीं बना, तीर बनवा दे रहा, तीर नीमत कम था, नीमत ज्यादा था, पुड़िया टूटी नहीं रहा था, अरे नहीं टूटा मत खाना चाहिए था ना, जो खराब है छोड़ के चले जाओ, खाने मत का बुराई करो हम सह लेंगे भाई, है ना, पहले क्या करते रही में जाते हैं, शादी में जाते हैं, खूर कहीं पर उधर गरियाओं की जाएंगे, सरवा सही पूरी नहीं बनाया रहा, अरे नहीं बनाया था तो खाना खाए क्यों भाई, हुआ कि नहीं हुआ ऐसा, खराब चीजों को नहीं खाना चाहिए आपको, जब खराब था तो खाए क्यों, और खा भी लिया और खराब भी था, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये गलत बात है, ठीक है ना, बुराई मत करिए, किसी का खा रहे हो ऊपर से बुराई भी चालू कर रहे हो, ये गलत काम है ना। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आइए समझते हैं, मैंने तो आपको सब सिखाया और सिखाने के बावजूद जब आपसे पूछ रहे हैं सब खाना आपने टेस्ट कर लिया, अरे सर ये तो गड़बड़ है, ये गड़बड़ बात बता रहे हैं, अब नहीं समझ में आ रहा है, लाइन ट्रैक से कहीं और भाग रहा है, ठीक है ना, आई टीच यू, आई टीच यू इंग्लिश,
आई टीच यू इंग्लिश आई टीच यू ई एन जी एल आई आई टीच यू इंग्लिश मच देन much than they are them they are them दोनों लगा रहे they are them पता नहीं मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा है they are them I teach you English much than they are them them them, them. them. यहां से I am bigger than them या them they या them ऊपर वाले में दे होगा नीचे वाले में तो फिर मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है दे और देम कैसे हो जा रहा है जो लड़के पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा आज जो नहीं पढ़ोगे पूरा कंफ्यूज में अरे बैंक के बाद अरे कहाँ लौटेंगी है आ रहा है आप खड़े हो जाइए क्या दिक्कत आपको आ रहा है दिक्कत नहीं आ रहा है ना समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ दे लगाई कहाँ देम लगाई कितनी बार बताया है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आता है हमेशा ऑब्जेक्ट आता है प्री पोजिशन के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है प्री पोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है आपको समझ में आ रहा है ना यहाँ तक तो फिर प्री पोजिशन और ट्रांजिटिव वर्ब जब आएगा तब ना लगाओगे तो कहीं आया है इसमें प्री पोजिशन ट्रांजिटिव वर्ब आया है एक कंपैरेटिव डिग्री है तुलना करने में ऑब्जेक्टिव है भाई तुलना हो रहा है मैं आपसे क्या हूँ बड़ा हूँ मैं बड़ा हूँ इसमें कोई प्री पोजिशन आया है नहीं आया है सीधा सीधा दिख रहा है नहीं आया है क्लियर है तो फिर प्रीपोजिशन आया नहीं है ट्रांजिटिव वर्ब आया ट्रांजिटिव वर्ब देखो आया होता है ना तो काम एक्शन कर रहा है तब तब ये क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव कैसे में आता है उधर और उधर देखो आई टीच यू मैं आपको क्या करता हूँ पढ़ाता हूँ क्या पढ़ाता हूँ इंग्लिश क्या पढ़ाता हूँ मच देन देम उन लोगों से ज्यादा उन लोगों से मैं आपको अंग्रेजी उन लोगों से ज्यादा पढ़ाता हूँ नहीं समझ में आ रहा है अब देखो यहाँ पे यहाँ टीच क्या है ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा आगे क्या लगेगा ऑब्जेक्ट यहाँ लगे ना पूरा ऑब्जेक्टिव एक्शन कर रहा है भैया यहाँ देखना दे नहीं आएगा क्या आएगा देम आएगा यहाँ क्या आएगा दे आएगा चलिए बस करिए अभी प्रोनाउन अभी पढ़ाएंगे सिखाएंगे घबराना मत थोड़ा पेशेंस रखना सब सिखाएंगे गलती करोगे हम जानते हैं इतना सिखाने के बावजूद भी गलती करोगे फंक्शन जानो बस क्या समझ रहा है केवल फंक्शन क्या फंक्शन सब्जेक्ट का काम करेगा ऑब्जेक्ट का काम करेगा कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा तो कौन कहाँ काम करेगा बस इतना ही समझना है और शुरू से अंत तक बार बार यही चिल्ला 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 के बोल रहे हैं ना यस सर करो तो कुछ है कमाल का करो नहीं तो करना है तो कुछ है कमाल का करो ताकि दुनिया करना चाहे आपके जैसा चलो भाई चले आगे कुछ तो कर यू ही क्या लिखे हिज लिख दे हिज लिख दे हिज लिख दे बोल नहीं रहा लड़का हिज लिख दे इसमें इसमें क्या अंतर रहेगा हिज लिख दिया है ना इसमें इसमें क्या अंतर है ये नाउन जब पहले आएगा तब बोलेंगे ये वाला है अब ये नाउन बनेगा क्या बनेगा नाउन प्रोनाउन बनेगा कि नहीं बनेगा कॉम्प्लीमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा तो हम क्या बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे प्रोनाउन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बोलेंगे ना समझ में सच में आ रहा है जब बात बोल रहे हैं सही है समझ में आ रहा है लग रहा है ठीक है ना और अगला चले सी आता है कौन आता है दोस्तों सी आता है सी का और बोलिए क्या दोनों में अंतर रहेगा यहाँ ऊपर तो समझ में आया यहाँ तो समझ में आएगी लेकिन यहाँ यहाँ कैसे समझ में आएगा कैसे
ये बनेगा ऑब्जेक्ट और ये बनेगा एडजेक्टिव, नाउन के पहले आएगा। ये नाउन के पहले आएगा, हम बोलेंगे ये एडजेक्टिव और पोसेसिव केस है। और ये क्या आएगा? ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। इसका एडजेक्टिव केस आएगा ना, अर्थात ये प्रीपोजिशन के बाद आएगा और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा। तो हम इसे क्या बोलेंगे? ये हर बोलेंगे, ठीक है ना। आगे अगला बोलिए, हर। हर से बोलते ही क्या समझ में आ रही है? सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा और क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट बनेगा। क्या क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा और कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। इट लिख दे। इट का इट का इट का और कुछ नहीं होता है, इसका नहीं होता है कोई नाउन प्रोनाउन। सोचे जाप दिए ही मैं हूँ, इसका नाउन प्रोनाउन नहीं होता है। यहाँ है नाउन प्रोनाउन, यहाँ देखो, ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये क्या है? क्या दोनों अंतर पता चल पाएगा? कहाँ पे कौन क्या आ रहा है? आई लव इट, इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है? इट इज वेरी नाइस। बोलिए सब्जेक्ट क्या है? आई लव इट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, एकदम सही, क्लियर हो रहा है। तो इसका कोई प्रोनाउन नहीं बनता है, केवल ये एडजेक्टिव पर ही रहता है। इट्स, समझ में आ रहा है ना? आ रहा समझ में? आगे बढ़े। अगर लिखे तो उसको दे अपना। अगला क्या है? दे। दे का बोलो दे। कहाँ पर आएगा इसका स्थान? बोलो हमेशा ये कहाँ आएगा? और बोलिए दियर लिखेंगे तो कहाँ पे लिखा जाएगा? एडजेक्टिव बनेगा ना, और क्या हो जाएगा? दियर से लिख दिया तो क्या बनेगा? सब क्लियर हो रहा है? खाली रट्टा मार रहे हो? सब क्लियर हो रहा है? खाली रट्टा मार रहे हो? सब क्लियर हो रहा है? यस सर। कोई दिक्कत? परेशानी वाली बात? कहीं समस्या? आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लिखा, ठीक है ना? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यही लिखते तो हमारे काम थोड़ा सा आगे क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अगला लिख रहे हैं रिफ्लेक्सिव, बस नाम सुनना है, लिखना नहीं है, समझना है बस, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों? जो रिफ्लेक्स करके खुद के ऊपर लाए, जो काम कर रहा है जो बंदा, वो उसी के ऊपर जो एक्शन कर रहा है उसी के ऊपर रिएक्ट होगा, तो यही सब्जेक्ट बनेगा और यही क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। यही सब्जेक्ट बनेगा और यही क्या बनेगा? जैसे मैं खुद के ऊपर कुल्हाड़ी मारा, तो भैया मैं ही मारा, किसके ऊपर मारा? खुद के ऊपर मारा। मारा है नहीं मारा? एक ही बंदा सब्जेक्ट भी बन रहा है और एक ही बंदा क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट भी बन रहा है। उसके लिए हम लोग बोल रहे हैं रिफ्लेक्स होना, जो काम कर रहा है रिफ्लेक्स होकर खुद के ऊपर चले आना, ही क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सो प्रोनाउन। क्या कहलाएगा वह? तो दोस्तों अगर रिफ्लेक्सो प्रोनाउन की बात करें तो कौन सा होगा यार रिफ्लेक्सो प्रोनाउन? क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? मैंने काम को खुद किया, तो क्या समझ में आ रहा है? मैंने खुद किया है ना, समझ में आ रहा है? आई डन माई सेल्फ, आई डन आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? आई डिड माई सेल्फ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों, ये क्या होना चाहिए? क्या हो जाएगा? आवर सेल्फ भी होगा, सेल्फ भी होगा, ठीक है ना। इसलिए प्लूरल की बात करें सेल्फ से लिखेगा, क्या हो जाएगा? आवर सेल्फ। अगर यहाँ पे देखिए नहीं लिखा गया क्या? योर से भाई भूल गए क्या? और यहाँ क्या हो जाएगा? योर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है ना। दोनों सही है, योर सेल्फ दोनों सही है। सिंगुलर होगा तब सिंगुलर, अगर ऑब्जेक्टिव जो अपने पास है, अगर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब यहाँ पे हम बात करेंगे, सब नजर वही जाएगा, सिंगुलर की हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें तो बताइए क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ, क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। इसके लिए अभी बस नाम सुनते चल रहा है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम करेगा कि नहीं काम करेगा? करेगा भाई, सब काम करेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब होगा। ये तो काम तो समझना है, ये नहीं कर सकता है, करेगा केवल एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है ना? यस सर। तो आइए अगला बोलिए, इटसेल्फ। क्या नाम सुना आपने? इटसेल्फ। क्या नाम सुना आपने? इटसेल्फ। अगला बोलिए, क्या हो जाएगा? देम सेल्फ या सेल्फ? सेल्फ, प्लूरल है। क्या है? नेम है तो नेम अपना लिख दीजिएगा, ऐसे
का नाम नाम थर्ड पर्सन होता है ना, किसी का नाम भी हो सकता है। ठीक है, नोट डाउन करिए।